में सरकार के आदेश से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का जितना सीट है उसका देने में लगे हुए हैं। तो वहीं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली जल्द से जल्द होने वाली है और इस संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय। इन्होंने पिछले दिनों मीटिंग में जो चर्चाएं की थी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली को लेकर, आइए हम जानते हैं क्या प्रोसेस होगा और कब तक क्या कुछ बहाली हो सकता है, सारी प्रक्रिया पे बात करते हैं। सर, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली को लेकर क्या कुछ जानकारी है? विश्वविद्यालय में सरकार के आदेश से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का जितना सीट है उसे समाप्त कर दिया गया है। सरकार का आदेश है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जितना पद स्वीकृत है उसकी जगह आप आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को बहाल करें और उसका जो पेमेंट होगा उसको जो दिया जाएगा वह राशि सरकार से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा। इसी को लेकर के पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग में बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों की बैठक हुई और विश्वविद्यालयों से रिक्ति मांगा गया कि आपके यहाँ चतुर्थ वर्ग में कितने पद स्वीकृत हैं और आपके यहाँ कितने आउटसोर्सिंग कर्मी कार्यरत हैं। तो उसका सारा डाटा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। विभाग अपने स्तर से इसे जांच करके शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय में सर कितने पद ऐसे रिक्ति हैं चतुर्थी वर्ग कर्मचारी? पूर्णिया विश्वविद्यालय में अभी 13 अंगीभूत महाविद्यालय है और विश्वविद्यालय मुख्यालय में है। विश्वविद्यालय मुख्यालय में अभी तक एक भी बहाली नहीं हुई है। यहाँ आउटसोर्सिंग पर काम लिया जा रहा है। उसी तरह से जो 13 हमारे अंगीभूत महाविद्यालय है वहाँ भी पद बहुत कम कर्मचारी बचे हुए हैं और जितने कर्मचारी वहाँ अभी कार्यरत हैं उसे छोड़ करके जो शेष है उस पर आउटसोर्सिंग के द्वारा शीघ्र उस पर बहाली किया जाएगा और ये लगभग 179 के लगभग अभी हमारा रिक्त पद है। 179 सीटों पर बहाली हो सकती है पर हम अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि अभी जो बहाली होगी उसका पेमेंट महाविद्यालयों के द्वारा किया जाएगा, फिर सरकार के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी तो सरकार उसका पैसा वापस देगी, लेकिन इसमें विलम्ब हो सकता है। तो हम लोग महाविद्यालय के फंड की उपलब्धता को देखते हुए आउटसोर्सिंग कर्मी का बहाली का निर्णय लिए हैं और इस पर शीघ्र हम लोग जो है सो इसको कार्यान्वित करेंगे। क्या क्राइटेरिया होगी अगर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी? उसमें मनरेगा के आधार पर जो काम किया जा रहा है, जो उनका जो रेट निर्धारित है मनरेगा के आधार पर, उसी आधार पर हम विश्वविद्यालयों में भी आउटसोर्सिंग कर्मी का भुगतान कर रहे हैं और महाविद्यालयों में भी जो हम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो बहाल करेंगे तो उसका भी मानदेय वही होगा जो मनरेगा के आधार पर निर्धारित है। कुल चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के लिए 179 सीटों पर बहाली होनी है जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा बहाली की जाएगी। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कुलसचिव कहते हैं कि आगे मुहर लग चुकी है और जल्द से जल्द चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को बहाल किया जाएगा। जटिन डिजिटल पूर्णिया से विक्रम झा।